बैठे रहो, खड़े रहो, बैठे रहिए, बैठे रहिए भैया, खड़े न होइए। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि अस्थि विसर्जन के साथ में पूरे समय सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वाहनों के अटल जी के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध था बहुत समय तक, अनेक मंचों पर हम और वो साथ रहे। उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन दिया और अपना स्नेह दिया मुझे। मैं समझता हूँ कि उनके राजनीतिक मार्गदर्शन के कारण ही हम सब आज आगे बढ़े हैं, पार्टी भी आगे बढ़ी है। वे एक महामानव थे, स्वच्छ राजनीति के एक प्रकार से हामीकार थे। उन्होंने राजनीति में कभी भी स्वार्थ को आगे नहीं रखा, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनके भाषण में, उनकी रचनाओं में हमें राष्ट्रभक्ति दिखाई पड़ती थी, राष्ट्र के प्रति आहुति देने का आह्वान दिखाई पड़ता था। अनेक विधाओं में पारंगत थे, भाषण में, कला में, भाषण की कला में, राजनीति के ज्ञान के में और कूटनीति के में, और सबसे बड़ी उनके अंदर जो क्षमता थी वो अपने विरोधियों को भी साथ लेकर के चलने की क्षमता। वो बात दूसरों की सुनते थे और अपनी बात भी कहते थे, उसका प्रभाव पड़ता था और विरोधी भी उनसे कभी कभी सहमत होते तो उनके साथ आ जाते थे। तो हम तो ये कह सकते हैं कि राजनीति का एक महामानव हमने खो दिया। तो किस तरह से उनके विचारों को आगे ले जाने की जरूरत है, जो वृक्ष उन्होंने खड़ा किया उसको पल्लवित पोषित करने की जरूरत है? अब उनके विचारों पर तो अमल हो रहा है, धीरे धीरे अमल हो रहा है। देखिए पूज्य अटल जी का आज पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन संगम में अस्थियों के विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, और अटल जी के नाम से क्या क्या किया जाएगा, हम कुछ भी कहेंगे तो लगेगा कि अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व की दृष्टि से वो बहुत छोटा होगा, लेकिन हमारी सरकार किसी भी स्तर पर पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान के लिए जो भी संभव है वो कुछ भी बकाया नहीं रखेगी। और आज अटल जी को जब अंतिम विदा हम लोग यहाँ पे अस्थियों के विसर्जन के साथ दे रहे हैं तो दुखी मन भी है, लेकिन उनके द्वारा ही रास्ता दिखाया गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती आवे और उसका सामना डट करके करना है। अटल जी आज हम सब लोगों को छोड़ के गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है, उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है, वह केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, मैं 16 अगस्त से लेकर के आज 25 अगस्त के बीच में लगातार देख रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा से बड़ा
नेता हो, छोटा नेता हो, कोई सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग, सब लोगों ने जिस प्रकार से पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। और उन्होंने अपने पीछे भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक विशाल वटवृक्ष, जिसकी छाया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसे उन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचाया था, उसके माध्यम से भारत को विश्व में प्रथम स्थान दिलाना, यह लगातार प्रयास चल रहा है और हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य अटल जी को नमन करते हैं।